ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ब्लॉटिंग बहुत ही सिंपल सा, बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे, जो मैंने डिस्कस किया हुआ है। डीएनए, डीएनए कई सारे अलग अलग ब्लॉटिंग है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, तो ये सब ये सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रेदर देन गेट। बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाता है तो एप्लीकेशन पूछा जाता है किसका क्या यूज़ होता है, या कुछ इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, सो सदर्न ब्लॉटिंग यूज फॉर डीएनए एनालिसिस, नॉर्दर्न फॉर द आरएनए, वेस्टर्न फॉर द प्रोटीन एंड ईस्टर्न फॉर द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। व्हाट आर द ब्लॉटिंग टेक्निक्स? सदर्न फॉर द डीएनए, नॉर्दर्न फॉर द आरएनए, वेस्टर्न फॉर द प्रोटीन एंड ईस्टर्न फॉर द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। हाइब्रिडाइजेशन में आपके फिस दैट फ्लोरिसेंस इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक फॉर जीनोम एनालिसिस इन वीवो। इसके साथ साथ माइक्रो एरे चिप एनालिसिस दैट जीनोम एनालिसिस इन विट्रो, ट्रांसक्रिप्टियोम इन वीवो, लार्ज जीन ट्रांस जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, ट्रांसक्रिप्टियोम यूज होता है। प्रोटीन के केसेस में जो यूज हो जाता है वो है फ्रेट प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन, न्यूक्लियोटाइड इंट्रैक्शन, ईज टू हाइब्रिड एसे फॉर द प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन। इफ यू नो दैट, ये जो है आपका प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। सर्फेस प्लाज्मा रेजोनेंस प्रोटीन प्रोटीन है, डीएनए डीएनए है, या कोई भी बायोमोलिकुलर इंट्रैक्शन के लिए ये जो होता है यूज किया जाता है सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस। एंड क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन दैट इज कैपिटल सीएच कैपिटल आईपी, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। विल डिस्कस दोज थिंग्स। चलिए देखते हैं, फटाफट लर्न करने की कोशिश करते हैं ब्लॉटिंग। एंड कुछ कुछ देखो, मैं बहुत पहले बता दे रहा हूँ कि हम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर रहे हैं। दीज टेक्निक्स आर लिटिल बिट लाइक इन डिटेल इन द सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन गेट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक सीएसआईआर स्टूडेंट्स के लिए यही होता है कि वो गेट को भी सीएसआईआर के तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चंस नहीं देखते कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसीलिए नॉलेज अच्छी बात है, बट हमें हर एक चीज़, जैसे 2020 में एक अलग गेम होता है, वनडे का एक अलग गेम होता है, टेस्ट का एक अलग गेम होता है, वैसे हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है। यू हैव टू रीड लाइक दैट। सो सदर्न ब्लॉटिंग दिस फॉर डीएनए, गगडो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करके जेल का प्री ट्रीटमेंट करते हैं, ब्लॉटिंग किया, कैपिलरी ट्रांसफर किया, और इस तरीके से आपने क्या किया उसको विजुलाइज कर लिया। इन द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग देयर इज लाइक एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मल्डिहाइड एग्रो जेल में आप रन करते हो और फिर उस कैपिलरी ट्रांसफर का मेथड यूज करते हो। इन द वेस्टर्न ब्लॉटिंग पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रांसफर यूज किया जाता है। कैपिलरी इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इज वेरी सिंपल। कैपिलरी में नॉर्मली क्या होता है कि ध्यान देने की कोशिश करना, एक आपका जेल होगा, सीधी सी बात है कि अगर कैपिलरी ट्रांसफर कर रहे हैं तो देयर शुड बी वन योर जेल, एक आपका जेल होगा। ठीक है, इसके साथ साथ देयर इज लाइक कि आपके पास एक जो चीज पाई जाएगी वो नॉर्मली होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या ये, दिस इज आप ऊपर जो है ये आपका नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, कोई भी है जो भी है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन मान लो। नीचे जो है वो है जेल जो आप रन करते हो, इसके ऊपर कुछ और भी चीजें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली ये कुछ इसी तरीके से होता है। जेल पे जो बैंड्स पाए जाते हैं, आप क्या करते हो कि आपके पास पहले सैंपल होता है, सैंपल को क्या करते हो, इससे डीएनए आरएनए या जो भी आपको आइसोलेट करना है, डीएनए आरएनए व्हाटएवर, इसके बाद आप क्या करते हो इसको एग्रो जेल पे आप रन करते हो, जिसमें आपको बैंड्स मिलते हैं कुछ इस तरीके से। इसी बैंड्स को आप नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हो, क्योंकि आप ओरिजिनल जेल को खराब नहीं करना चाहते। तो जब ये करते हो ना, तो यहाँ पे जो डीएनए के बैंड्स होते हैं ना, वो कैपिलरी एक्शंस के थ्रू ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब होता है, क्लॉथ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बफर को, तो ये कैपिलरी एक्शन यहाँ पे लगता है। दिस इज द कैपिलरी ट्रांसफर, ये कैपिलरी ट्रांसफर और कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इज द कैपिलरी ट्रांसफर। सो इट इज यूज इलेक्ट्रिक ट्रांसफर में, बस ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट का यूज कर लेंगे। सदर्न ब्लॉटिंग, आपने क्या किया, डीएनए लिया, यू हैव द डीएनए, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, देखिए कैपिलरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, नीचे की तरफ जेल है, ऊपर की तरफ फिल्टर पेपर है, गया, जाने के बाद ट्रांसफर हुआ अल्कलाइन सॉल्यूशंस में, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आपने क्या किया, प्रोब से हाइब्रिडाइज किया और विजुअलाइज कर लिया कि मेरा डीएनए कौन सा है।
आपने किसी भी स्पेसिफिक डीएनए के लिए एक स्पेसिफिक प्रोब डिजाइन किया होगा। प्रोब इज नथिंग लाइक इट इज अ सिमिलर लाइक प्राइमर, प्राइमर की तरीके से होता है, मतलब एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंसेज होते हैं जो हाइब्रिडाइज करेगा कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेज जहां पे उसको मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टेप्स आर व्हाट डीएनए, एक डीएनए है आपका क्लीव विद द रिस्ट्रिक्शन इन इंडो न्यूक्लियस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफर ऑन द नाइट्रोसेलुलोज, हाइब्रिडाइज विद द लेबल्ड डीएनए और आरएनए प्रोब, ऑटो रेडियोग्राम में आपने उसको देख लिया। और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में भी सेम इसी तरीके से सैंपल, आरएनए एक्सट्रैक्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आरएनए सेपरेटेड बाय साइज, ट्रांसफर ऑन द मेम्ब्रेन, फिक्स्ड बाय द यूवी और लेबल्ड प्रोब शुड बी देयर एंड विजुलाइज इनटू द ऑटो रेडियोग्राम। अगेन आरएनए सैंपल इज देयर, आरएनए एक्सट्रैक्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफर ऑन टू द नायलॉन मेम्ब्रेन, यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज की जगह नायलॉन मेम्ब्रेन यूज हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना खासकर, यहाँ पे कौन सा मेम्ब्रेन है, नायलॉन है, यहाँ पे कौन सा मेम्ब्रेन हो रहा था, नाइट्रोसेलुलोज स्पेसिफिकली डीएनए के केस में, जबकि पीवीडीएफ मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए यूज होता है। फिक्स किया आपने, नायलॉन मेम्ब्रेन इज देन विद द लेबल प्रोब एंड विजुलाइजेशन ऑन द एक्सरे फिल्म। इन द वेस्टर्न ब्लॉटिंग देयर शुड बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया आपने, देखिए यहाँ पे जो है ये ट्रांसफर कैसा हो रहा है, ये हो रहा है इलेक्ट्रिक ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफर में यहाँ पे अपना नेगेटिव और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद ट्रांसफर जो हो रहा है एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव है, जेल की तरफ नेगेटिव आपने दिया है और मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो आपने पॉजिटिव दिया, तो दिस इज जेल। क्यों? क्योंकि जनरली प्रोटीन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव की तरफ भागेगा तो प्रोटीन यहाँ से इधर की तरफ भागेगा, एंड दिस मेम्ब्रेन इज पी वी डी एफ मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ये है पी वी डी एफ मेम्ब्रेन। किसी की किडनी में तकलीफ हो रही है, पीवीडीएफ क्या है, गूगल पे बैठ के फुल फॉर्म सर्च करते रहना। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो गया इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो प्रोटीन का बैंड जो है वो यहाँ से इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। बैंड ट्रांसफर होने के बाद देयर इज अ ब्लॉकिंग, आपने ब्लॉकिंग किया उसको बफर वगैरह यूज करके, देन प्राइमरी एंटीबॉडी दिया, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी, उसके बाद आपने उसको विजुलाइज कर लिया कहाँ कौन कौन सैंपल बाइंड कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल वेस्टर्न ब्लॉटिंग, दैट एस डी एस पेज पे रन किया आपने सबसे पहले, फिर दैट इलेक्ट्रोफोरिकली ट्रांसफर ऑन द ऑन टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इस पे भी कर सकते हैं या स्पेसिफिकली जो यूज किया जाता है दैट इज पी वी डी एफ मेम्ब्रेन, एंड ब्लॉक द मेम्ब्रेन विद द बी एस ए, बोवाइन सीरम, एल्बुमिन और मिल्क कैसिन, जिससे कि ये जो प्रोटीन है किसी से रिएक्ट ना करें। फिर आप प्राइमरी एंटीबॉडी यूज करते हो, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिक होता है किसी सबस्ट्रेट से, उसका जो सबस्ट्रेट जब मिलेगा तो वो कलर प्रोड्यूस करके एनालाइज कर सकते हैं। एंजाइम के तौर पे जो यहाँ पे बेसिकली यूज होते हैं वो आपके परोक्सीडेजेस यूज होते हैं, परोक्सीडेजेस यूज किए जाते हैं, हॉर्स रेडिस परोक्सीडेजेस, जो कि H2O2 को लेके कलर प्रोड्यूस करने में पाए जाते हैं। नाउ फ्लोरेसेंस इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन में बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। करना क्या होता है, आपके पास एक सेल है, फिक्स करने के बाद उस जीनोम को या क्या करो तोड़ दो, और नाम से क्या है, फ्लोरेसेंस इन सीचु हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसको जीनोम में भेजने वाले हैं हम। इसके लिए पहले क्या करोगे, एक जीन से डीएनए से जो कि डीएनए एंडोन्यूक्लियस होता है कट किया, कट करने के बाद उस निक ट्रांसलेशन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, निक क्रिएट करके ट्रांसलेशन, तो देयर इज अ निक क्रिएशन, आपको निक क्रिएशन किया, उसके बाद आपने इस पर क्या किया कि कुछ लेबलिंग चीजें जोड़ दी, ये अब इसको डिनेचर किया, प्रोब को डिनेचर किया, आपने एक प्रोब डिजाइन किया, दिस इज अ डिजाइनिंग ऑफ प्रोब, ये जो है वो प्रोब डिजाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोब को डिजाइन किया और उसके बाद फिर डिनेचर किया, जीनोम को डिनेचर किया, दोनों सिंगल स्टैंडर्ड होते ही, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब और सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम हुआ, होते ही दोनों हाइब्रिडाइज करेंगे, जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी। ठीक है, जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी वो कहाँ करेगा, वो क्या करेगा, वहां पे हाइब्रिडाइज होगा, और जैसे ही हाइब्रिडाइज हुआ इस प्रोब का दूसरा जोड़ीदार आपने इसको दिया, जैसे ये आपने बायोडीन यूज किया था तो आप एविडीन दोगे तो ये फ्लोरेसेंस शो करेगा और फ्लोरेसेंस से आपने देखा, इसीलिए बोलते हैं फ्लोरेसेंस इन सिचू, मतलब इस प्रोब को हम इस सेल के अंदर भेजते और चेक करते, देखो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। सो वेरी सिंपल प्रोसेस इज देयर, फर्स्ट यू हैव टू डिजाइन अ प्रोब, डीनेचर द प्रोब, डीनेचर द जीनोम लाइक इन साइड द सेल, उसको थोड़ा सा डीनेचर करिए एंड सिंग इस प्रोब को भेजिए जहां पे हाइब्रिडाइज करता है, आप उसका फ्लोरेसेंस करा के चेक कर सकते हैं कि मेरा जीन कहाँ पे प्रेजेंट है सेल में। सो डीनेचर ऑफ क्रोमोजोम, डीनेचर ऑफ प्रोब, हाइब्रिडाइजेशन, एंटीबॉडी लिंक विद द फ्लोरोफोर एंड एग्जाम इन द स्लाइड्स इनटू द स्टोर लाइक और स्टोर्ड इन द दिस इज द फिश। माइक्रो एरे में क्या करते हैं, सेल सैंपल, सेल कल्चर, आरएनए का आइसोलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एज यू नो दैट आरएनए बहुत स्टेबल नहीं होता तो पहले उसको सीडीएनए में कन्वर्ट करेंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे,
लेबलिंग करने के बाद डीएनए माइक्रोएरे पे हम क्या करते हैं, उसको हाइब्रिडाइज करा के चेक करते हैं। सो वेरी सिंपल, जब हम बात करते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि माइक्रोएरे, इसको बोला जाता है चिप। इस चिप में आईपी जो होता है वो स्मॉल होता है, और चिप एनालिसिस में अगर नॉर्मली बात किया जाए तो दिस इज व्हाट इज एरे। एरे का मतलब है सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ डीएनए। क्या है? सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ डीएनए। सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ डीएनए है मतलब नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोम को हम इस पर्टिकुलर सिक्वेंशियल वे में एक चिप पे फिक्स कर देते हैं। एक हमारा माइक्रोचिप है माइक्रो साइज का, इसमें अपने जीनोम को फिक्स कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने इसको जीनोम को फिक्स किया तो मजेदार चीज ये है कि जब भी हमें किसी जीन के बारे में पता करना है कि कौन सा जीन है जो एबनॉर्मल हुआ, डिजीज कॉज कर रहा है, क्या कर रहा है, हम उसके एमआरएनए को लेंगे, उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे, और जहां पे भी जिस जीन पे वो जाके हाइब्रिडाइज करा हम बता देंगे कि भाई वो जीन जो है वो नॉन फंक्शनल या म्यूटेटेड हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि अगर दो सैंपल्स देखा जाए यहाँ पे, तो यू हैव द नॉर्मल सेल, यू हैव द कैंसर सेल। नॉर्मल सेल से क्या करते हैं कि आप आरएनए को आइसोलेट करिए, कैंसरस सेल से आरएनए को आइसोलेट करिए। पहले कल्चर कर लीजिए सो दैट कि कल को अगर दोबारा एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़े तो आपके पास कम से कम सैंपल्स हो। फिर आरएनए से सीडीएनए बनाएंगे विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड इसमें आप लेबलिंग करेंगे। जनरली कैंसरस सेल को हम आरएफपी यानी रेड फ्लोरिसेंस प्रोटीन से लेबल करते हैं, और जीएफपी लेबल करते हैं आपके नॉर्मल के लिए। दोनों के सी डी एन ए को आपने हाइब्रिडाइज कराया, हाइब्रिडाइज करके जब आप इसको देखते, ये चिप है हमारा जिसपे सारे सारा जीनोम फिक्स था, जहां जहां पे हाइब्रिडाइज हुआ स्कैन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का सिंबल मिलता है। ये सिंबल आपको कुछ बताता है, वो क्या बताता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें चार तरीके के कलर अपीयर होते हैं, वन इज लाइक ग्रीन, वन विल बी ये रेड, वन शुड बी येलो, एंड वन शुड बी स्लाइटली पिंक। तो क्या हो जाता है कि देखो येलो और अगर पिंक है इसका मतलब किसी भी सेल में प्रेजेंट नहीं है, नो सिग्निफिकेंट रिजल्ट इज देयर। कुछ आपको सिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट नहीं होते वो येलो और पिंक है, कोई सेल में प्रेजेंट नहीं है तो ये कलर अपीयर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं येलो है तो प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, दोनों सेल में प्रेजेंट है येलो वाले में, तो दिस इज लाइक कि ये जो हो जाएगा आपका ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट होते हैं दैट अगर ग्रीन है तो वो हो जाता है जैसे इस तरीके वाला, ये है नॉर्मल सेल्स में सिर्फ होगा, और रेड वाला जो है वो सिर्फ कैंसरस या डिजीज सेल्स में होगा। तो फॉर अगर कैंसर की बात करें, जो डिजीज सेल में सिर्फ हो रहा है वी कैन से दैट इज ऑन्कोजीन, और जो आपके नॉर्मल सेल में दैट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये जो होता है आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से हो जाता है कि सिर्फ नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस करेगा ट्यूमर सप्रेसर, और कैंसरस में करेगा ओंकोजीन, क्योंकि कैंसरस सेल में ओंकोजीन बढ़ जाता है ट्यूमर सप्रेसर जीन घट जाता है, और नॉर्मल सेल्स में कैंसर जीन जो होता है या ओंकोजीन कम हो जाते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होते हैं वो ज्यादा हो जाता है। दिस इज चिप। ठीक है, इसके अलावा जो होते हैं ईस्ट टू हैबिट सिस्टम, इससे बहुत सिंपल सा है भाई, इसमें बेट और प्रे की बात होती है, ध्यान रखना। बेट, एक बैट ले लो और पिटाई कर दो, बहुत सीधी सी बात है, बैट करके पिटाई करनी है। बैट करोगे तो दनादन पिटाई करनी है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ठीक है, दनादन। और पिटाई करने के बाद वो क्या करेगा, वो आपको फिर से पिटाई करने के बाद वो जो है टाटा बाय बाय करके निकल लेगा। तो ध्यान देना, देयर शुड बी अ बेट, एक बेट है और एक प्रे है। बेट हैविंग द डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड दिस इज हैविंग द टारगेट प्रोटीन, प्रे हैविंग द बाइंडिंग पार्टनर ऑफ दिस टारगेट प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन। व्हेन एवर दिस टारगेट प्रोटीन एंड बाइंडिंग पार्टनर विल शो द एफिशिएंसी टुवर्ड्स ईच अदर, जब भी ये एक दूसरे से एफिशिएंसी शो करेंगे, ये क्या करेगा कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन को साथ लेके आएगा, और जब ये दोनों साथ आएंगे, दिस पर्टिकुलर डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन, दे विल एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्टर एक्टिवेशन सिग्नल एंड दिस विल लाइक सिंथेसाइज द रिपोर्टर प्रोटीन। तो जहां पे ये इन दोनों प्रोटीन्स का इंटरेक्शन हुआ, व्हाट इज दैट, दैट इज इट इज अ प्रोटीन वन, ये है प्रोटीन वन और ये प्रोटीन टू। अगर इन दोनों प्रोटीन का इंटरेक्शन होगा तो डीबीडी और टीएडी साथ में आएंगे, और साथ में आएंगे तो ये काम करेंगे। ठीक है,
अगर इन दोनों को हमने वेट को एक प्रोटीन के साथ लिंक किया, इसको एक दूसरे प्रोटीन के साथ लिंक किया, हम चेक करना चाहते हैं इन दोनों में इंट्रैक्शन है कि नहीं है। अगर इंट्रैक्शन होगा तो ये दोनों साथ आएंगे, आएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा और रिपोर्टर प्रोटीन बनेगा। इफ इंट्रैक्शन अकर्स, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। ये इज टू हाइब्रिड सिस्टम, दो हाइब्रिड को एक साथ जोड़ते हैं। इफ इंट्रैक्शन यस दे विल लाइक जाके रिपोर्टर, अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। सिमिलरली विद द फास्ट डिस्प्ले, फास्ट डिस्प्ले में भी यही कॉन्सेप्ट है, बट इसका एक प्रोटीन होते हैं, कई अलग अलग इस पे G8 प्रोटीन है, G6 प्रोटीन है, G7, G9 है। जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन माना जाता है वो है G3P, जिसपे हम चीजों को वो करते हैं। अगर हम प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को फ्यूज करते हैं, ये जीनोम है, सिक्वेंशियल जीनोम, जिसमें कि G3P का जीनोम पाया जाता है। दिस इज द लाइक यहाँ पे देखिए G3P का सिग्नल पेप्टाइड है। इसके बाद में आपने सिक्वेंस इनकोडिंग द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, एक आपने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को रख दिया, ये आपका सैंपल प्रोटीन है, सैंपल प्रोटीन का सैंपल जीन है। अब इसको रखा यहाँ पे, सिक्वेंस लिंकर पेप्टाइड आपने ऐड किया जो कि लिंक करेंगे, और यह है G3P प्रोटीन का। अगर सिंपल प्रोटीन और G3P में इंट्रैक्शन होगा तो ये यहाँ पे जो सरफेस है, जहाँ पे देखेंगे G3P प्रोटीन है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, फ्यूज करके। अगर नहीं होगा, नहीं होगा, सीधी सी बात है कि अगर फ्यूजन हुआ, फ्यूजन यहाँ पे प्रोटीन का फ्यूजन यस, तो फ्यूज्ड प्रोटीन मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो ओनली क्या मिलेगा, ओनली G3P, G3P मिलेगा। दिस इज द केस जो कि सरफेस पे आप G3P प्रोटीन के साथ देख सकते हैं। तो ध्यान रखना कौन से प्रोटीन पे फ्यूज करते हैं, G3P प्रोटीन पे, बाकी नहीं। इसी तरीके से इम्यूनो टेक्निक्स, इम्यूनो डिफ्यूजन जो होते हैं कई बार पूछे जाते हैं, व्हाट आर द इम्यूनो टेक्निक्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। इम्यूनो डिफ्यूजन इज देयर अगेन, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, डबल इम्यूनो डिफ्यूजन, इसको शायद इम्यूनोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग हियर अ लिटिल बिट। रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन में क्या करते हैं कि आपके पास एक, कभी लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक मीडिया आपने किया, एंटीजन जो था आपका एडेड टू एन एंटीबॉडी रिच मीडिया, एंटीबॉडी रिच मीडिया था, आपने एंटीजन ऐड किया सेंटर में, एक पूरे तरीके से ये एंटीबॉडी है। यहाँ पे क्या है कि एंटीजन सेंटर में रखा, देखिएगा इस सेंटर में यहाँ पे आपने क्या रखा, एंटीजन रखा। रखने के बाद ये एंटीजन डिफ्यूज हो रहा होगा, लेट मी जूम इट, ठीक है, तब आपको और अच्छा दिखेगा। तो हियर देखिए ये एंटीजन है, एंटीजन, अब ये नॉर्मली केसेस में एंटीजन इधर की तरफ डिफ्यूज होगा, एंटीजन डिफ्यूज होके इधर आएंगे, और आने के बाद क्योंकि एंटीबॉडी डिफ्यूज होके इधर आएगा और जहां पे एक पूरा का पूरा रिएक्शन फॉर्म कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेगा, पूरा का पूरा जो है वो रिएक्शन फॉर्म कर लेगा इस पर्टिकुलर केस में। तो जी रिएक्शन फॉर्म किया तो ये इस तरीके से एक प्रेसिपिटिन रिंग बना लिया, दिस इज अ प्रेसिपिटिन रिंग, ये जो है एक प्रेसिपिटिन रिंग बना लेगा, तो इस प्रेसिपिटिन रिंग जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने, एंटीजन इज एडेड टू एंटीबॉडी रिच मीडिया, कंटिन्यू टू रिएक्ट अंटिल द जोन ऑफ इक्विवेलेंस इज रीच्ड, या प्रेसिपिटिन रिंग जो बन जाता है वहां तक हो जाता है, प्रेसिपिटिन रिंग जो है वो बनेगा, तो यहां तक यह क्या हो जाएगा, ये आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके अलावा जो है एरिया डायमीटर ऑफ द रिंग इज मेदर द एंटीजन कंसेंट्रेशन, जितना डायमीटर होता है इस रिंग का वो बताता है कितना एंटीजन का कंसंट्रेशन है, इस चीज के लिए वो डिक्टेट करता है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन्स में, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या हो जाता है कि डब मूवमेंट अक्रॉस लाइक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होते हैं। डबल इम्यूनो डिफ्यूजन में जैसे कि हमने इसमें अभी रेडियल के फॉर्म में किया था, रेडियस मेजर कर रहे थे, इसको डबल इम्यूनो डिफ्यूजन को ऑल्सो कॉल्ड एज ओकरलानी प्रोसीजर, ठीक है। अगर जेल इम्यूनो डिफ्यूजन यूज करते हैं एंड एंटीबॉडी एंड एंटीजन अलग अलग जगह पर रखते हैं, वो एक दूसरे की तरफ आते हैं डबल, देखिएगा ये है एंटीजन लाइक यहाँ पे अगार मैट्रिक्स में एंटीबॉडी रिच डोमेन है, ये एंटीजन वन। अब ऑब्वियस ही बात है कि दो एंटीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव करेगा, ठीक है, इधर जैसे कि आपने देखा कि ये मूव करा और इधर ये जो है आपका ये मूव किया, एंटीजन एक ऐसी जगह पे आके जहां पे कि ये एक दूसरे से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और जब ये प्रेसिपिटेट होगा तो ये यहाँ पे रिंग नहीं बना है, ये एक लाइन बना है, और इसको बोलते हैं प्रेसिपिटिन लाइन, प्रेसिपिटिन लाइन जो है वो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द केस, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो पंगा है
चलता रहता है, ठीक है। नाउ ध्यान देने की कोशिश करिएगा, तो अल्टीमेटली अगर इस चीज को समझा जाए तो एंटीबॉडी इन द प्रेसिपिटेट एंड एंटीजन एडेड, एक जगह पे एंटीजन जहां पे कि आपका जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस था, एंटीबॉडी ज्यादा पाया जा रहा था और जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस था, ठीक है। इसमें एक ऐसी जगह पे आता है जहां पे जोन ऑफ इक्विवेलेंस, मतलब जितना एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं वो नंबर में होते हैं, और वो मतलब इक्विवेलेंस का मतलब जितनी एंटीबॉडी की जरूरत है उतना ही एंटीजन प्रेजेंट है, उतनी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसके थ्रू जो होता है वहां पे आपके प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट जो होता है जोन ऑफ इक्विवेलेंस पे बनता है, कहां पे बनता है आपको मिलेगा, दैट इज इन द जोन ऑफ इक्विवेलेंस। ये ना तो एंटीबॉडी एक्सेस जोन में मिलेगा ना ही एंटीजन एक्सेस जोन में, जहां पे एक अप्रोप्रिएट अमाउंट आएगा एंटीजन का और एक अप्रोप्रिएट अमाउंट एंटीबॉडी का, जिससे कि प्रॉपर वे में बाइंड कर सकें। तो ये जो हो जाता है वो आपका इस तरीके से ग्राफ जो है अपियर हो रहा होता है, ठीक है। चले सो डबल इम्यूनो डिफ्यूजन जो मैंने आपको देखा, इसका एक एप्लीकेशन आ जाता है डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। यहाँ पे रेडियल और डबल इम्यूनो डिफ्यूजन बताया जा रहा है कि रेडियल में IgM IgM यूज किया जाता है, रिंग बनता है प्रेसिपिटिन और इसमें लाइन के फॉर्म में बनता है। रेडियल इज टू डिटेक्ट द क्वांटिटी, क्वांटिफाई द एंटीजन एंटीबॉडी, एंड डबल इम्यूनो डिफ्यूजन टू फाइंड द सिमिलरिटी बिटवीन टू एंटीजन, दो अलग एंटीजन के बीच में सिमिलरिटी के लिए होता है, ठीक है। नाउ सिमिलरिटी कैसे पता करेंगे, अगर दो एंटीजन, ये एंटीबॉडी एक्सेस रीजन है, ये एंटीजन वन एंटीजन टू, अगर ये अर्ध चंद्राकार जैसा शेप बन रहा है, हाफ मून, इट इज लाइक शेप जो है, अगर ये हाफ मून बन रहा है, ठीक है, तो ये समझ लो आपने स्माइल कर लिया, ठीक है। जब स्माइल वाला चेहरा बन गया, आप जिसको देखोगे तो स्माइल जैसा दिखेगा, तो ये है आपका आइडेंटिटी, मिल गया, आप खुश हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका नहीं मिला, दोनों का मुंह क्रॉस हो, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया एंटीजन वन एंटीजन टू था, इसमें क्रॉस शेप्ड आ गया, क्रॉस का मतलब है कि आपका जो वो है, आप एक इमोजीज देखते होंगे, दिस वन, ठीक है, चुप वाला, ये है आपका क्रॉस, ठीक है। और अगर पार्शियल आइडेंटिटी है तो आपको ये वाली इमोजी आ जाएगी, इसमें आप थोड़ा सा मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो आधा स्माइल करेंगे और आधा चुप रहेंगे, मंद मंद मुस्कुराना, मतलब हाफ मून हाफ क्रॉस, हाफ मून हाफ क्रॉस, ठीक है, ये है पार्शियल आइडेंटिटी। तो अगर आपकी पूरी आइडेंटिटी आ गई तो आप स्माइल कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास नॉन आइडेंटिटी है तो भैया चुप हो जाइए, अगर ये है तो थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए आप, थोड़ा सा क्रॉस थोड़ा सा सर्कल, तो ये केस आ जाएगा आपका, ठीक है। सो दीज आर द केसेस। इम्यूनो टेक्निक्स में एलाइजा इज ऑल्सो देयर। एलाइजा इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक। क्वालिटेटिव का मतलब है इट यूज टू डिटरमाइन द एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट और एब्सेंट, एंड क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना, एंटीबॉडी एंड ऑल। अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल इन द एलाइजा, दिस इज लाइक डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन सैंपल्स, एज यू नो दैट एंटीजन सैंपल्स अगर डिफरेंट होते हैं तो उसमें एक प्राइमरी एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड करेगा। तो इस प्राइमरी एंटीबॉडी का जो ये एफ सी रीजन होता है, एज यू नो दैट एंटीबॉडी कभी आपने पढ़ा होगा अगर इम्यूनोलॉजी में, तो यहाँ पे पाया जाता है फैब रीजन और यहाँ पे पाया जाता है एफ सी रीजन। दिस एफ सी रीजन इज लाइक, ये जो होता है एफ सी रीजन ऑफ द प्राइमरी एंटीबॉडी, इसके अगेंस्ट आप एक एंटीबॉडी डिजाइन किए रहते हो जिसको बोलते हैं सेकेंडरी रीजन। तो इसका एफ सी रीजन और इसका फैब रीजन यहाँ पे बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी लिंक्ड विद द एंजाइम, दैट्स वाई वी कॉल एस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसीलिए इसको एलाइजा बोला जाता है, इसी नाम से आता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब ये किसी भी एंजाइम से अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को पकड़ेगा और कलर प्रोडक्ट में जनरेट करेगा, जो बता देगा कि ये एंटीजन है कि नहीं है और कितना है, ठीक है। सो व्हाट इज द वेरी बेसिक प्रोसीजर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलाइजर, यू जस्ट नीड टू प्री कोटेड माइक्रोवेल प्लेट, आप प्री कोटेड एंटीजन या एंटीबॉडी से आपने लिया, एड सैंपल्स और स्टैंडर्ड्स टू इनक्यूबेट, सैंपल्स एंड स्टैंडर्ड्स आर रिमूव एंड डिटेक्टर एंटीबॉडी इनक्यूबेट एंड वॉश, जो आपके अनबाउंडेड होंगे उनको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, वॉश कर लोगे, एंड एट द डिटेक्शन कॉन्जुगेट, जो कि डिटेक्शन करने के लिए जो सेकेंडरी एंटीबॉडी आप उसको करोगे, एंड उसके बाद डिटेक्शन सबस्ट्रेट को ओडी लेके चेक कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, ये काम कर सकते हैं।
ठीक है, कहने का मतलब है आपके पास प्री कोटेड एंटीबॉडी थी, आपने एंटीजन को एडिट किया, एंटीजन एडिट करने के बाद अपने प्राइमरी बॉन्ड एंटीबॉडी को लेके आए, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी को, और फिर उसके बाद जो है आपने ओडी ले ली। ये एक तरीके का सैंडविच इलाइज है, पहले एंटीबॉडी फिर एंटीजन फिर एंटीबॉडी, दैट इज सैंडविच इलाइजा, सीधा सीधा पता चल रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट वॉट आर द टाइप ऑफ एलाइजा। तो देयर शुड बी नॉन कॉम्पिटेटिव एलाइजा एंड कॉम्पिटेटिव एलाइजा। नॉन कॉम्पिटेटिव एलाइजा कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सैंडविच। कॉम्पिटेटिव एलाइजा कैन बी हैविंग द, लाइक इसके पास दो पार्ट होते हैं, नॉन एंटीजन एंड अननोन एंटीजन का कॉन्सेप्ट आता है। डायरेक्ट एलाइजा का मतलब है कि आपके पास क्या होगा कि एंटीजन है, प्राइमरी एंटीबॉडी दिया और एंजाइम करके डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज अ डायरेक्ट एलाइजा, वेरी सिंपल। ठीक है, कोई भी आपको यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इनडायरेक्ट एलाइजा में पहले एंटीजन था, प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी एंड एंजाइम लेके फिर वो सब्सट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द इनडायरेक्ट एलाइजा। सैंडविच एलाइजा में पहले आपका क्या हो जाता है, प्राइमरी एंटीबॉडी या कोई भी एंटीबॉडी है, फिर एंटीजन, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी, फिर सब्सट्रेट से प्रोडक्ट में, दिस इज द सैंडविच एलाइजा। तो अल्टीमेटली कई अलग अलग तरीके के केसेस बन रहे हैं। एंड कॉम्पिटिटिव एलाइजा जो होता है, इट इज अ वेरी बेस्ड ऑन द RIA, रेडियो इम्यूनोएसे ऑल्सो। सो देयर इज अ टू काइंड ऑफ एंटीजन, वन इज नोन एंटीजन एंड अननोन एंटीजन। नोन एंटीजन की अफिनिटी जो होती है वो लो होती है, इट इज अ लेबल्ड वन, फ्लोरिसेंट लेबल है समथिंग लाइक। एंड अननोन एंटीजन की अफिनिटी हाई होती है एंड दिस इज अनलेबल्ड वन। ध्यान रखना L2 रूल यू हैव टू अप्लाई हियर, ठीक है। दैट यहाँ पे क्या होता है कि L2 का मतलब लो अफिनिटी एंड लेबल्ड वन, और ये कौन सा होता है हमारा, ये होता है नोन, ठीक है। तो LKL, ये चीज आप अगर ध्यान रखे रहते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नॉन एंटीजन का क्या ये प्रिंसिपल क्या, अभी हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए। कॉम्परेटिव पे आएंगे, सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास इनडायरेक्ट एलाइज, डायरेक्ट तो मैंने आपको बताया सीधा सीधा काम कर रहे थे भैया, क्या किया, एंटीजन था, आपने एंटीजन किया, एंटीजन गया और सीधे एंटीबॉडी लिया, इससे सब्सट्रेट से एंजाइम में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बनाया और ये कलर आपको प्रोड्यूस कर दिया, दिस इज डायरेक्ट एलाइजर, वेरी सिंपल। मैंने टॉक अबाउट इनडायरेक्ट एलाइजर, एंटीजन कोटेड वेल इज देयर, दिस इज एंटीजन कोटेड वेल, ठीक है, वॉश कर लिया जो आपके अनबाउंडेड एंटीजन से गए, स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडीज यू हैव गिवन द प्राइमरी एंटीबॉडीज हियर, प्राइमरी एंटीबॉडी, देन आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड द एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, एंड देन यू हैव टू वॉश एंड टेक द ओ, ये सब्सट्रेट दोगे तो ये सब्सट्रेट को कलरफुल प्रोडक्ट में कर देगा एंड यू हैव टू मेजर द ओडी हियर। इनडायरेक्ट वन, आपने सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज किया, नहीं करते तो वो डायरेक्ट वन हो जाता। सेकेंड वन इज सैंडविच एलाइजा, पहले आपने एंटीबॉडी कोटेड वेल पे रखा, दैट इज अ प्राइमरी एंटीबॉडी, उसके बाद आपने एंटीजन को मेजर किया, एंटीजन को दिया, एंटीजन के बाद आपने सेकेंडरी एंटीबॉडी या कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी को रखा, वॉश करके ओडी को मेजर कर लिया, दिस इज सैंडविच एलाइजा, वेरी सिंपल। क्या किया आपने, प्राइमरी एंटीबॉडी, एंटीजन, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी, देन। नाउ आफ्टर दैट देयर इज अ कॉम्पिटेटिव एलाइजा, वन गुड थिंग, जस्ट पहले आपके पास क्या होता है कि इंक्यूबेट द एंटीबॉडी विद द एंटीजन टू बी मेजर्ड, एंड देयर इज एंटीबॉडी एट द एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर टू द एंटीजन कोटेड वेल एट द एंजाइम एंड सी द थिंग्स। क्या करना है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है, अफिनिटी की बात जब आती है तो अननोन एंटीजन की अफिनिटी हाई होती है, ठीक है, और नोन की अफिनिटी जो होती है वो कम होती है। तो वेरी सिंपल क्या होता है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा इस पर्टिकुलर केस में कि हियर आपके पास नोन एंटीजन है, मान लो ये जो है नोन लेबल्ड एंटीजन है, जैसा कि आपको बताया गया है नोन होगा तो लेबल्ड होगा और अफिनिटी कैसी होगी, लो होगी। जैसे ही आपने क्या किया कि इसमें अननोन सैंपल्स को ये कर दिया, अभी तक ये बाइंडेड था, ठीक है, बाइंडेड था इस तरीके के फॉर्म में, अब आपने अननोन सैंपल्स को, ये जो है अननोन सैंपल्स है या जिसको आपको मेजर करना है, अननोन सैंपल, दिस अननोन सैंपल हैविंग द हाई अफिनिटी अनलेबल्ड, ठीक है, ये कैसे होते हैं, अनलेबल्ड होते हैं। तो जैसे ही आपने किया ये इससे कॉम्पीट करेगा इस वन से,
जब ये कॉम्पीट करेगा तो क्या कहेगा, कहेगा कि मैं तो भैया बाइंड करूंगा, तो इसको रिप्लेस करके खुद वो बाइंड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो लेबल्ड वाले हैं वो एक्सपेल रिमूव्ड हो जाएंगे, और जब रिमूव्ड होंगे तो क्या जा रहा था, लेबलिंग क्या होगी, लेबलिंग डिक्रीज होने लगी, और दिस इज द कॉम्पिटिशन वन। मेजर कर लिया आपने कि कॉम्पीट करके इसको भगा दिया यहाँ से, जो बैठा हुआ था इसको भगा के खुद आके बाइंड कर गया, तो वो जाने लगा तो लेबलिंग कम होने लगी। दिस इज द केस विच इज यूज इन द रेडियो इम्यूनो एसे RIA, ठीक है, उसमें भी ये यही चीज जो होती है वो यूज की जाती है। ठीक है, नाउ सो ध्यान देने की कोशिश करिए कि RIA में भी यही चीज होती है, इसमें लेबलिंग जो होती है 125 आयोडीन से लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग जो रेडियो इम्यूनो एसे में किया जाता है, रेडियो इम्यूनो एसे इसमें जो लेबलिंग की जाती है, दैट रेडियो लेबलिंग इज डन बाय द I-25। देखिए टाइम के साथ साथ लेबलिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है, व्हेन यू सी दैट टाइम के साथ लेबलिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। एंड सी पहले क्या था, ये है अनलेबल्ड एंटीजन, दिस इज लेबल्ड वन, बाइंडिंग था। जैसे जैसे आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज होना, कम्पीट करेगा और डिक्रीज करेगा। अगर आपने इस तरीके से किया कि ये जो है ये है अनइन्फेक्टेड सीरम है, और इन्फेक्टेड सीरम को लेबल कर दिया, तो ये जो है यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी बढ़ने लगेगी। तो इट कैन बी बोथ केसेस, बट जनरली लेबलिंग डिक्रीज हो रही होती है, हम वो जो केस बताया वो चलता रहता है। ये कॉम्पिटिटिव इलाइजा का प्रिंसिपल। ठीक है, होप यू गॉट इट गाइस, यहाँ तक समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।